हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, पढ़ रहे होंगे मजे से। तो अगर बात करें, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एपी की कुछ बातें, ठीक है। एपी के अंदर हम पहुंच गए एक्सरसाइज 5.2 पे, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो चलिए आज के क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से, उसी फैंटेस्टिक तरीके से, मजे से पढ़ते हैं आज की क्लास को और देखते हैं जरा आज की क्लास में क्या क्या चीजें हमें दी हैं। तो अगर हम आज की क्लास की बात करें, तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, तो इस क्लास में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे टिक कर लीजिए कि भैया ये एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लिया। लगाने के बाद अब क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी की कौन सी संख्या उसकी 54th संख्या से 132 ज्यादा होगी? अगर इस बात को मैं आपको ऐसे समझाऊं, तो कह रहा है एक एपी है 3, 15, 27 और इस एपी की कोई 54th टर्म है। क्या है? कोई 54th टर्म है, रही होगी कोई सी 54th टर्म। कह रहा है उससे 132 ज्यादा, उससे 132 ज्यादा कौन से नंबर की टर्म है? तो मैंने मान लिया वो कौन से नंबर की है, n। अब कह रहा है बता दो कि जब 54th टर्म की 132 ज्यादा कर दोगे, यानी 54th टर्म में 132 ऐड कर दोगे, तो कौन से नंबर की संख्या आएगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या है, पहले हमें 54th टर्म चाहिए। उसके लिए जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। a की वैल्यू 3, एपी की फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है 3, फिर आपको d की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 15 माइनस 3 12। d की वैल्यू कैसे आ जाएगी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, ठीक है। d का फॉर्मूला होता है ना a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 का मतलब है कि सेकेंड टर्म में से क्या माइनस कर लो, फर्स्ट टर्म। आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। a और d की वैल्यू मिलने के बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है 54th टर्म, यानी आपसे मांगी है, आपसे मांगी है a54 के लिए। आप जानते हो अगर 54th टर्म चाहिए तो 53d एक कम हो जाता है। तो अगर आपको a54 चाहिए, तो आप a54 के लिए क्या अप्लाई करेंगे, a+53d। उसी के साथ a+53d में a3 है, d की वैल्यू 12 है। अब आप मल्टीप्लाई करें 12 की 53 में, तो 36 का 6 कैरी लगा 3, 12, 5 जा 63, ये टोटल आ रहा है 639। क्या आ रहा है कैलकुलेट करके, टोटल 639। कह रहा है जो हमारी nth टर्म है ना, वो 639 से भी 132 ज्यादा है। अब ये वाली जो संख्या आ रही है आपकी, ये वाली 54th, ये आ रही है आपकी 639। इस 639 से भी कितनी ज्यादा, 132। तो इस 639 से 132 ज्यादा करेंगे तो वो आपकी nth टर्म बनेगी। तो मैंने मान लिया जो हमारी nth टर्म है वो 639 में कितने जोड़ के बन रही है, 132। तो मतलब nth टर्म क्या बन रही है, 9 to 11 का 1, ठीक है, कैरी जाएगा आपका 1, 3, 3, 6 and 1, 7, 6 and 1, 7। तो मतलब जो nth टर्म बन के आ रही है वो क्या आ रही है, 7, 7, 1। nth टर्म में an का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d, इसकी वैल्यू 7, 7, 1 है। अब a, इन सब की वैल्यू पुट कर लें आप, a की वैल्यू होती है क्वेश्चन में दी हुई है 3, n-1 d की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 12 दी हुई है, और ये 7, 7, 1 है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो यहां हो जाएगा n-1 × 12
इक्वल्स टू प्लस थ्री उधर जाके माइनस थ्री हो जाएंगे, तो 771 में से ये चले जाएंगे, तो 768 कितना बचेगा, 768 12 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो 768 के डिवाइड में क्या आ जाएगा 12, 12 से आप इसे कैंसिल कर ले, n माइनस वन अगर से 12 से करते हैं तो 12 सिक्स जा 72, तो 6 बार गया 4 बचे, 12 4 जा 48 ठीक है, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा 65, तो मतलब 54th टर्म में जब 132 जोड़ दोगे तो जो आपके नंबर की संख्या बनेगी वो कौन से नंबर की होगी, 65। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि इसमें क्या था, पहले आपको 54th टर्म चाहिए, तब आप उसमें 132 जोड़ के अपनी nth टर्म बनाओगे और उस nth टर्म से आपको पता चलेगा कि वो कौन से नंबर की, यानी n की वैल्यू पता चलेगी कि वो कौन से नंबर की टर्म है। तो है ना गजब का सवाल है, क्यों बिड़ू लोग, हुआ ना गजब का सवाल, ऐसे ही गजब के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बिल्कुल फेवरेट्स में रखना इसे तो अपने, हाँ एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार रखना है। चलो भाई, अगर बेहतरीन तरीके से तैयार रख सकते हो तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है, टू एपीज, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब आप खुद सोचो, अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिनका डिफरेंस सेम है, जिनका डिफरेंस क्या है, सेम, तो अगर मैं उनके डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, तो उनका डिफरेंस जब 100th टर्म पे 100 है, 100th टर्म पे क्या है उनका डिफरेंस 100, तो कहने का मतलब क्या है कि उनकी 1000th टर्म पे भी उनका डिफरेंस क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, वो वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है। चलो फिर भी अगर आप सपोज करें तो मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन दिखा देता हूं। मान लो आपके पास क्या कह रहा है, टू एपीज है ना, तो मैंने मान लिया भैया ये मेरी एपी फर्स्ट है और ये वाली एपी सेकंड है, सही है भैया, मान लिया हमारी एक एपी फर्स्ट है और एक एपी सेकंड है, तो अगर इसकी बात करें, चलो भैया पहली एपी मैंने क्या ले ली, पहले एपी की फर्स्ट टर्म ली ए वन, फिर सेकंड टर्म ए वन प्लस डी, फिर ए टू प्लस डी, ए वन ए टू करके ले सकते हैं या ए प्लस ए वन, मैंने एक गड़बड़ कर दी भाई, छोटी सी गड़बड़, हाँ तो अगर पहली टर्म ए वन है तो ये ए वन प्लस टू डी ऐसे ही चलती जाएगी, इधर मैंने मान लिया भैया ए टू, तो ये हो जाएगी ए टू प्लस डी, कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहां भी डी है, तो यहां भी डी है, ए टू प्लस टू डी, ए टू प्लस थ्री डी, ऐसी चलती जाएगी। अब मैंने क्या करा, एपी नंबर फर्स्ट की ना, एपी नंबर फर्स्ट की हजारवीं संख्या ली, हजारवीं कह रहा है ना, और उसे माइनस करा एपी सेकंड की हजारवीं से, क्योंकि हमसे डिफरेंस मांगा है, और कह रहा है बताओ क्या डिफरेंस आएगा, ये कह रहा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो मैंने एपी फर्स्ट की 1000 ली, एपी सेकंड की भी 1000 ली, और इनका डिफरेंस चेक करना चाहा। आप जानते हो किसी भी एपी की 1000 टर्म का मतलब है 999 डी एक कम हो जाएगा, माइनस। अब बात करें इसकी, तो ए टू प्लस 999 डी, अब ये तो सेम होने की वजह से कट जाएंगे, तो यहां आएगा ए वन माइनस, ए वन माइनस ए टू का मतलब है जो डिफरेंस पहले था, और पहले डिफरेंस कितना था 100, तो अब भी हजारवीं संख्या का डिफरेंस क्या रहेगा 100 ही रहेगा, तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, यानी हर बार डिफरेंस क्या रहेगा 100। तो ये तो सिर्फ समझ के लिए था, एक बेसिक क्वेश्चन था, इसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो आप इसे एक बार बस पढ़ के जा सकते हैं, पढ़ के जाने से इसका काम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला सवाल अच्छा है और ऐसे सवाल पेपर में खूब पूछे जाते हैं भैया, इनकी अपनी बहुत इज्जत है। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे क्वेश्चन बेहद पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अरे बस करो, कितना पूछोगे यार, है? तो क्वेश्चन नंबर 13 को स्किप करने की गलती मत करना, क्वेश्चन 13 100% पढ़ के जाना है। चलो एक बार देख लेते हैं आखिरकार क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है। भैया कह रहा है, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ऐसे कितने थ्री डिजिट नंबर्स होंगे जो किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 7 से। तो उसके लिए आपको पता होने चाहिए थ्री डिजिट नंबर्स। ए बड़ू लोग, क्या होते हैं थ्री डिजिट नंबर जरा बताओ ना, हमरी आईब्रो से बताओ थ्री डिजिट नंबर। अब आप कहोगे भैया थ्री डिजिट नंबर आधो को तो पता ही ना चल रही होंगे, हाँ आधे तो हवाबाजी कर रहे हैं बस। तो थ्री डिजिट नंबर होता है 100, कहां से स्टार्ट होते हैं 100, क्योंकि 100 में थ्री डिजिट है 100, तो थ्री डिजिट नंबर का मतलब कहां से शुरू होते हैं 100। लेकिन हमें थ्री डिजिट नंबर वो लेना है जो किससे कट जाए, 7 से। अब 100 तो 7 से नहीं कटता, 101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105। यानी थ्री डिजिट नंबर में पहली संख्या जो 7 से कटेगी वो क्या होगी, 105। उसके बाद कटेगा 112। और सोचो थ्री डिजिट नंबर की वो संख्या सबसे एंड की संख्या जो किससे कट जाए, 7 से। तो थ्री डिजिट नंबर की लास्ट संख्या होती है 999। अब 999 तो 7 से नहीं कटेगा, 998 काट के देख सकते हो आप, ठीक है? अगर 998 को 7 से काट के देखें, 1 बचा, 29 बचा, 28 बचा, ओके नहीं कटेगा। इसी तरीके से काट के देखते रहना, मेरे हिसाब से 994 होगी लास्ट संख्या जो 7 से कट जाएगी। तो मतलब क्वेश्चन में थ्री डिजिट नंबर जो 7 से कट सकते हैं वो 105 से स्टार्ट होते हैं और कहां पे खत्म होते हैं, 994 में। कह रहा है बताओ ऐसे कितने हैं, हाउ मैनी, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जब हमें एक एपी दिया है तो जरा देख लेते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 105, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड में से फर्स्ट घटा लो 7 आएगा, लास्ट टर्म दी हुई है 990। हम सब एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो भैया ए एन की वैल्यू होती है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से बनी है। बिल्कुल सही बात है कि भैया ए एन का फॉर्मूला बना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। तो यहां ए एन की वैल्यू क्या आई, ए एन की क्या दी हुई है 994, ए की क्या दी हुई है 105, एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या दी हुई है 7, प्लस का इधर आके माइनस का, प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का। अब अगर 994 में से आप 105 को घटाते हो तो कितना बचेगा, जैसे 14 कैरी करके 14 कर लेना, 14 में से 5 गए 9, वरना सीधा सीधा हिसाब लगा सकते हो, 900 में से 100 गए तो 894 में से वो चले गए तो 889, ठीक है 5 चले गए, तो इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 7, 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो इसे काट देगा, 7 वन जा 7 18 हो गया, 7 टू जा 14 49 हो गया, 7 7 जा 49, 127 इक्वल्स टू एन माइनस वन, माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 128। यानी इसमें टोटल कितनी संख्या होंगी, 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो भैया 7 से डिविजिबल होंगी और थ्री डिजिट की होंगी। तो हमने पता कर लिया 7 से डिविजिबल होने वाली थ्री डिजिट नंबर्स की कितनी संख्याएं हुई, 128। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 में कोई फर्क नहीं है, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन 13 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाए बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच कितने 4 के मल्टीपल आते हैं।
तो 10 के बाद जो पहला 4 का मल्टीपल आएगा वो 12 होगा। मल्टीपल का मतलब है जो उसके टेबल में आए। तो 10 के बाद जो पहला नंबर जो 4 के टेबल में आएगा वो क्या होगा? 12। 12 के बाद क्या आएगा? 16। फिर ऐसे ही 20 आएगा। उसी तरीके से 250 से पहले जो 4 के टेबल में आ सकता है वो पहली आखिरी संख्या क्या होगी? 248 होगी। जो 4 के टेबल में आ जाएगी वो 250 से पहले कौन सी संख्या होगी? 248। ये लास्ट संख्या होगी। अब अगर आप क्वेश्चन देखो तो वही सेम बन गया, जिसमें ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपको कितनी पता है? 12। डी की वैल्यू आपको पता है सेकंड में से फर्स्ट घटा लो 4। लास्ट टर्म कितनी आ गई? 248। ए एन का फॉर्मूला जानते हो, सेम ही क्वेश्चन बन गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248 हो गई, ए की वैल्यू 12। मुझसे पहले कैलकुलेट करके दिखा दो, बात तो जब जमेगी ना, जब आप मुझसे पहले कैलकुलेट करके दिखा दो कि प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, कॉम्पिटिशन कर लो बेशक। अगर किसी की इच्छा है तो क्या करके देख ले, कॉम्पिटिशन करके देख ले। 4 5 जा 20, 36, 4 9 जा 36, प्लस का माइनस इधर आके माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ऐसी कितनी संख्या होंगी? 60 संख्या ऐसी होंगी। कर लो भैया कॉम्पिटिशन, हमसे पहले निकाल लो भाई, हम तो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं आ जाएंगी? टोटल 60। तो यानी हम कह सकते हैं कि भैया 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स बन जाएंगे? तो आप कह सकते हो टोटल 60 मल्टीपल्स बन जाएंगे। ठीक है, इजी पीजी। चले तो फिर आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ के देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपी दिस एंड दिस आर इक्वल। कह रहा है एपी की किस संख्या के लिए इन दोनों के ए एन आपस में इक्वल होंगे? किन किन के ए एन? दो एपीज हैं, एक एपी इधर है एपी फर्स्ट के नाम से, एक एपी इधर है एपी सेकंड के नाम से। एपी फर्स्ट क्या दी हुई है? 63, 65, 67। दूसरी एपी क्या दी हुई है? 3, 10, 17। कह रहा है इनकी लास्ट टर्म इक्वल है। कह रहा है ना एंथ टर्म ऑफ एपीज आर इक्वल, एंथ टर्म का मतलब है इनकी लास्ट टर्म आपस में इक्वल है। तो मतलब क्या है कि जो ए एन होगी ना, एपी की जो लास्ट टर्म होगी, यानी ये जो ए एन होगी फर्स्ट वाली एपी की, वो बराबर होगी इस ए एन के कौन से एपी वाली? सेकंड। तो क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि भैया दोनों की एंथ टर्म बराबर है, एंथ मतलब लास्ट टर्म को कहते हैं, तो दोनों के ए एन बराबर होंगे। अब दोनों के ए एन बराबर होंगे तो दोनों में क्या लग जाएगा? फॉर्मूला। तो भैया इस वाले ए एन में सपोज लगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, दूसरे वाले ए एन में भी भैया यही लगेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, लेकिन इनके वैल्यूज अलग है, याद रखना। एपी फर्स्ट में ए की वैल्यू 63 है, एन की नहीं पता, डी की वैल्यू 2 है। एपी सेकंड में ए की वैल्यू 3 है, एन का नहीं पता, डी की वैल्यू 7 है। अब सॉल्व कर लो आपस में और इसे करेंगे ओपन। इसे अगर ओपन करते हैं तो ये बनेगा 63। ये बनेगा 63 प्लस 2n माइनस 2, ये बन जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। n एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर लो, ये उधर आ जाएंगे, ये सारे इधर आ जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7, ये सारे इधर आ गए, n वाला उधर चला जाएगा, तो 7n माइनस 2n, तो ये हो जाएगा 5n। यहां करोगे तो 62 में से 5 चले जाएंगे, और अच्छा 7 है ना, 2 जोड़ लो, 65। 5 से 65 को कितनी बार काटा जा सकता है? 5 से 65 को कितनी बार काटा जा सकता है भैया? काट लो, ठीक है, 13 बार, 13 पंजे 65 होता है, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 13।
तो कौन से नंबर की संख्या होगी? जब इन दोनों एपी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते 13 नंबर की संख्या ऐसी आएगी जो दोनों एपी की क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, 13 नंबर की संख्या दोनों एपी की सेम होगी। आपसे एन ही मांगा था, कह रहा था ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, तो एन की क्या वैल्यू होगी? 13। आया इतना समझ है भाई? आया समझ? क्लियर है भाई? तो अगर ये चीज क्लियर है तो चलो भैया, अगर इतनी चीजें क्लियर है तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद है हमने जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं, समझाए हैं, आप उन्हें अच्छे से समझेंगे, करेंगे, करके देखेंगे, मेहनत अच्छे से करेंगे। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ठीक है, जय सियाराम।